जाएंगे। हम अधिक समय तक किसी एक स्थान पर नहीं ठहरते। लेखक भगवती चरण वर्मा अपनी कविता में कवि के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो कवि होता है वो मनमोजी स्वभाव का होता है। कवि का स्वभाव जो होता है मस्त होता है, हालांकि कवि गंभीर भी होते हैं, लेकिन स्वभाव का उनका कहना ही क्या, हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव के क्या कहने, हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये आज यहाँ कल वहां चले, हम किसी स्थान पर किसी विशेष समय के अनुसार एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरते। हम आज यहाँ पर हैं तो कल हम कहीं अन्यत्र दूसरी जगह चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब लेखक भगवती चरण वर्मा यह कह रहे हैं कि जहां जहां कवि जाते हैं, जहां जहां कवि जाते हैं वहां क्या हो जाता है, मस्ती का आलम। वहां का जो व्यवहार है, वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण में वो सब कुछ अच्छा कर देते हैं, यानी कि वहां खुशियां, प्रसन्नता, हर्ष, इस प्रकार का वहां आलम होता है और वो वातावरण सभी को प्रसन्न करने वाला होता है। मस्ती का आलम साथ चला, यानी कि जहां जहां कवि जाता है वो अपने साथ खुशियां और प्रसन्नता साथ उसके चलते हैं। लोग होते हैं उनकी आंखों में वो आंसू दे जाते हैं, यानी कि लोग कहते हैं
किया।